नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैंपस दौरे पर लगाई रोक, कांग्रेस ने लगाया राजनीति का आरोप। रैली से चीफ राज ठाकरे की उद्धव सरकार को चुनौती, लाउड स्पीकर से अजान हुई तो होगा हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस ने थमाया नोटिस। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर दिया 4 मई का अल्टीमेटम, उद्धव पवार पर साधा निशाना। गौतम बुद्ध नगर में जारी है कोरोना का कहर, 31 मई तक धारा 144 लागू। देश में कोरोना की चौथी लहर नहीं, आईसीएमआर के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा केवल कुछ जिलों में ही बढ़ रहे संक्रमण के मामले। योगी सरकार 2.0 में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 वरिष्ठ आईएएस अफसरों के तबादले, संजीव मित्तल बने राजस्व परिषद अध्यक्ष। बिजली संकट से यूपी को मिली कुछ राहत, 1686 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलना शुरू। दहेज के लिए 5 बार दिया तलाक और 2 बार कराया हलाला, पीड़ित ने एसपी से मांगी मदद। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीएम योगी से की मुलाकात, एक्ट्रेस ने कहा चुनावों में भारी जीत के बाद महाराज योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का सौभाग्य मिला। लाउड स्पीकर उतरवाने में बरेली अव्वल और कानपुर फिसड्डी, अब तक 1 लाख से ज्यादा उतरवाए गए और आवाज कम कराई गई लाउड स्पीकर की। चीन में कम होने लगे कोरोना के मामले, लेकिन बीजिंग में नहीं सुधर रहे हालात, लोगों ने राशन का स्टॉक रखना किया शुरू। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना ने की नए चुनावों की मांग, कहा देश एक बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा। रूस ने यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियारों को बनाया निशाना, खारकीव में 2 यूक्रेनी लड़ाकू विमान भी मार गिराए। इराक ने अप्रैल में 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का किया निर्यात, 10 अरब से ज्यादा अमेरिकी डॉलर का मिला रेवेन्यू। सऊदी अरब में नारेबाजी पर इमरान के खिलाफ ईशा निंदा का केस, पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्ला बोले अब होगी गिरफ्तारी। एनएफएल दिग्गज फिट्ज़गेराल्ड, एनबीए स्टार क्रिस पॉल, आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में करेंगे विनिवेश। लखनऊ की जीत से फिर हुआ अंक तालिका में बदलाव, नीचे खिसकी हैदराबाद की टीम। ऋतुराज ने कोनवे के साथ मिलकर सीएसके के लिए रचा इतिहास, पहले विकेट के लिए कर दी सबसे बड़ी साझेदारी। केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज, 150 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने, रैना का भी रिकॉर्ड तोड़ा। केएल राहुल के सामने फीके पड़े ऋषभ पंत, लखनऊ ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, फैंस के साथ शेयर किया खास वीडियो, कहा आगे से रखेंगे ख्याल। अनुष्का शर्मा ने क्रिकेटर फफडू प्लेसिस की वाइफ को दी अपनी साड़ी, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर। रिलीज से पहले ही करोड़ों में बिकी सलमान खान की टाइगर 3, अमेजॉन प्राइम ने मेकर से मिलाया हाथ।
शाहरुख खान की फिल्म पठान को रिलीज से पहले ही मिली करोड़ों की रकम, ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे स्ट्रीमिंग अधिकार। भूल भुलैया 2 के प्रमोशन के लिए भीड़ के बीच उतरे कार्तिक आर्यन, फिल्म का टाइटल ट्रैक आउट। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो